नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। मैं हूं आपके साथ श्रीगुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। एकादशी ईश्वर की उपासना का दिव्य और कल्याणकारी दिन। 24 एकादशियों में से एक है कामिका एकादशी। श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। श्रावण मास में श्रीहरि की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। कहते हैं कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से सबका कल्याण होता है। तो आइए जानते हैं कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामिका एकादशी की महिमा क्या है। श्रावण महीने का परम कल्याणकारी व्रत मनोकामना पूर्ण करेगी कामिका एकादशी। मनोकामना पूर्ति का महाव्रत हरि कृपा दिलाएगी कष्टों से मुक्ति। शिव के प्रिय सावन में महादेव के साथ श्री हरि की कृपा पाने के लिए सबसे फलदायी है कामिका एकादशी। एक ऐसा एकादशी का व्रत जिसके प्रभाव से व्यक्ति का नाम यश बढ़ सकता है। ऐसा व्रत जो व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कामिका एकादशी का पुण्य अपार है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। कामिनी एकादशी का बड़ा इतना बड़ा महत्व है कि भगवान विष्णु को जगाने और उनको प्रसन्न करने और उनको सुप्तावस्था में भी यदि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कामिनी एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि आप सैकड़ों प्रकार के बछड़ों का दान यदि करते हैं, गायों का दान करते हैं, उतने पुण्य के फल की प्राप्ति के बराबर कामिनी एकादशी होती है। इसको करने से भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है और ऐसा जातक इस लोक नहीं इस परलोक में भी भगवान विष्णु का बहुत ही परम प्रिय बना रहता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण मास में श्रीहरि की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है, साथ ही व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ही तो ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। एकादशी व्रत का सीधा सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने पर प्राणी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर इंसान सही नियम से व्रत और उपवास रखे तो जीवन के तमाम कष्टों से मुक्त रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार की कामिका एकादशी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा। दूसरी तरफ बुधवार का संयोग होने से धन संपत्ति का वरदान मिलेगा। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाए तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। अगर एकादशी व्रत न कर पाए तो उस दिन फलाहार रहकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु के फोटो पर उनको तमाम प्रकार के पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। उस दिन
मांसाहार न करें और मीठा भोजन अपनाएं। उस दिन तीखा भोजन, बहुत तीखा भोजन, लहसुन प्याज का सेवन करके सात्विक तरीके से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए यदि वो पूरा जीवन और पूरा दिन ऐसा पार करेंगे जैसा मेरा पूरा जीवन पार हो रहा है, तो उसके जीवन में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी और उसे एकादशी के व्रत के बराबर ही उसे फायदा होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। कामिका एकादशी पर श्री हरि की भक्ति का आनंद उठाइए। इस एकादशी की पूजा विधि क्या होगी आगे जानिए। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को परम प्रिय है। एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना साधक की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत में किन बातों का ख्याल रखने से पूरी होगी आप सभी की मनोकामना और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कामिका एकादशी पर कौन से फूल और पत्तियां शिव जी को अर्पित की जानी चाहिए। श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण, निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। और ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व है। विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत करके आप श्री हरि की विशेष कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कामिका एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना। एकादशी का व्रत बहुत ही सरल है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही भारी है, जो हम लोग ना कर सकते। साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। उस दिन भगवान सुबह में स्नान करके भगवान का नाम लेते हुए जाके विष्णु जी के मंदिर में यदि न हो तो चौकी बिछा कर, पीला कपड़ा बिछा कर उनको स्थापित करें भगवान विष्णु को। साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आम का पौधा, आम का पत्ता पल्लव उनको लगा कर और वहाँ पर एक कलश जैसा बना के भगवान विष्णु का नाम लेकर यदि उनका जाप करता है, यदि उनकी प्रार्थना करता है, उनको यदि पीला वस्त्र चढ़ाता है, यदि उनको तमाम प्रकार के फल मूल मिष्ठान चढ़ाता है, इस तरह से करता है, तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत दूर नहीं है। और उसी दिन भगवान विष्णु का दिन भर नाम लेकर फलाहार करके समय बिताए और भगवान विष्णु पूजा करता रहे, इस प्रकार करके हम भगवान विष्णु का यह काशी व्रत कर सकते हैं और घर में शुद्धता का ध्यान रखते हुए भगवान का नाम लेने से यह काशी पूर्ण हो जाती है। प्रातः भगवान कृष्ण की आराधना करें, पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें, फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें, शिव जी को जल अर्पित करें। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी उत्तम होगा। पूर्ण रूप से जलीय आहार लें या फलाहार लें। अगर भोजन ग्रहण करना ही है तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो केवल उपासना से भी आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो जो शक्ति हर ओर व्याप्त है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए।
बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। हरि कृपा का ये दिन बड़ा ही दिव्य है। विधि विधान और सच्चे मन से कामिका एकादशी पर किए उपाय हर समस्या का समाधान कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस कामिका एकादशी पर कैसे करें विशेष प्रयोग। एकादशी के दिन यदि हम लोग दक्षिणावर्ती संघ से कुछ जल भर के यदि सूर्य को चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है, ऐसा मान्यता है। यदि संघ के द्वारा यदि जल चढ़ाया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जो भी आपकी बड़ी इच्छा, कोई बहुत बड़ी इच्छा होगी, वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। लेकिन नियम यह है कि आप एकादशी के दिन जल लेकर भगवान शिव, भगवान विष्णु का नाम लेकर सूर्य को अर्घ दें तो आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस दिन मध्य रात्रि में उपासना जरूर करें, या तो भगवत गीता का पाठ करें या यथाशक्ति शिव पुराण का पाठ करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें, आपकी हर तरह की समस्या का निवारण होगा। चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्रीहरि की कृपा। कामिका एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए, नारायण आपके दुखों को दूर करेंगे। भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है श्रावण मास में और सावन की एकादशी तो भोलेनाथ और श्रीहरि दोनों की कृपा पाने के लिए परम फलदायी मानी जाती है। तो आप भी इस दिव्य तिथि का लाभ उठाइए और चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के। आस्था की इस पुण्य धरोहर पर बसा है कैलाशपति का पावन धाम, गाजियाबाद का दूधेश्वर महादेव मंदिर, जिसे कहा जाता है पवित्र शमशान। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। इसकी महिमा का जितना बखान हो उतना ही कम है। जो एक बार महादेव के इस धाम में आ गया, समझो उसके सारे दुख भस्म हो गए। का सफर तय करके भक्त महादेव से साक्षात्कार होने आते हैं और पूरी तन्मयता के साथ एक ही कामना करते हैं कि प्रार्थना स्वीकार हो। शिव का ये वो दिव्य धाम है जिसका पुराणों में भी वर्णन है। यही वो पावन स्थान है जहाँ रावण और उसके पिता ने महादेव की तपस्या की थी। आस्था के पौराणिक मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और चमत्कारों की कहानियां हैं, जिनके बारे में जितना जानेंगे उतना ही हैरत में पड़ जाएंगे। जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित है दूधेश्वर महादेव, जिनकी एक झलक पाकर भक्त निहाल हो जाते हैं। कोई दूध से तो कोई फूलों से दूधेश्वर महादेव का अभिषेक करता है, या यूं कहें कि ये भक्तों की अटूट आस्था का अभिषेक है। ये एक तरह से देखिए कि हिरणागर्भ जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में, उप ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग हिरणागर्भ, मतलब ये धरती के अंदर है। और एक जैसा गाय का थन होता है, गाय के थन के अंदर में वो शिवलिंग रखा हुआ है। तो इसका अष्टकमल के ऊपर इसका जलेरी जो बना हुआ अष्टकमल जैसा है, तो उसके अंदर में जो है वो शिवलिंग को इसके अंदर नीचे रखा हुआ है। और ये जमीन के अंदर में 3.5 फुट था, तो अब शिवलिंग तो वहीं के वहीं है, परंतु मंदिर का तो कुछ जीवन उदार होने के समय में थोड़ा सा जो है वो जलेरी को थोड़ा नीचे लेके गए हैं। तो अभी भी एकदम उसके अंदर गड्ढे के अंदर में ही वो एकदम अंदर गहराई में है, हिरण्यगर्भ में, जमीन के अंदर में शिवलिंग है। ओ
जहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ नंदी यानी भगवान भोले के द्वारपाल सदैव विराजित होते हैं। बगैर नंदी महादेव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि हर शिव मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति जरूर रहती है। यहाँ भी नंदी जी के अभिषेक करने के बाद ही भक्त भोलेनाथ की आराधना करने आगे बढ़ते हैं। नंदी भगवान शिव के प्रधान सेनापति भी हैं। तभी तो बच्चा हो या बड़ा, हर कोई नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहना नहीं भूलता। गाजियाबाद का प्रख्यात दुधेश्वर मंदिर अपने आप में इतिहास के कई पहलू समेटे है। पुराणों में हरनंदी नदी के किनारे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। हरनंदी यानी ब्रह्मा जी की पुत्री, जिसे अब आप हिंडन के नाम से जानते हैं, उसी नदी के किनारे रावण के पिता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। क्या है इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता और कैसे महादेव यहाँ कहलाने लगे दुधेश्वर महादेव? प्राचीन काल में बोलते हैं कि रावण के जो पिता थे विश्वसरवा, वो ऋषि जो थे विश्वसरवा, उन्होंने इस शिवलिंग को स्थापना किया। स्थापना करने के बाद में या कालांतर में मान लीजिए कि वो टीला बन गया। टीला बनने के बाद में यहाँ पर जो है केला गांव की जो गाय है, वो जो गाजियाबाद का ज़्यादा चित्र केला गांव में बसा हुआ है, तो केला गांव की गाय आकर यहाँ स्वतः ही यहाँ पर दूध अपने आप ही गिर जाता था। तो लोगों ने खुदाई किया तो ये शिवलिंग निकला। तो दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर, ऐसा ही इतिहास का इसका नाम पड़ा। गायों के दूध से अभिसिंचित होने के कारण ये दुधेश्वर या दुग्धेश्वर महादेव कहलाए। और चलिए प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, तो देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।